अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। हम बेलगाम जिले के कुर्ची शहर में यहाँ पर मौजूद हैं और मुमताज सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक और इम्प्लांट सेंटर के यहाँ पर हम आए हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टरी पेशा किस तरह से अपने खिदमात अंजाम देता रहता है और किस तरह से एक मरीज अपने एक फरिश्ते की नज़र से देखते हैं और समाज में इस तरह से देखा जाता है। कुर्ची शहर में जिस जगह पर हम आए हैं, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पूरा परिवार यानी कि पूरा खानदान आवाम की खिदमत में लगा हुआ है। मुजाहिद अजीज खान, सुमैया अजीज खान और फातिमा अजीज खान और उनके वालिद डॉक्टर मंसूर साहब भी और उनके अहलिया और ये परिवार की माँ मुमताज, उन्हीं के नाम से यह अस्पताल भी है। लिहाजा हमारे साथ मुजाहिद अजीज खान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल, खैर मकदम आप तमाम का, जितने भी आप खिदमत अंजाम दिए, आपने काफी सारे खिदमत अंजाम दिए हैं और काफी मशहूर भी हैं। लोग दूर दराज से यहाँ पर आते रहते हैं। जी सर, अतराफ से आते हैं। जी सर, बेलगाम जिले से भी है, यहाँ तक कि दिगर रियासतों से भी यहाँ आने की बात हमने सुनी है। आज हम आपके पास आए हैं, हम चाहते हैं कि पूरी तफसीलात आप पेश करें कि किस तरह से आपने इस काम को अंजाम दिया, किस तरह से शुरुआत की, क्योंकि आपके वालिद मोहतर भी है और वालिदा भी है यहाँ पर। जी सर, तो आपके दिगर अफराद भी मौजूद है, लिहाजा हमको बताइए कि आपने इसे शुरुआत कैसे की, आप किस तरह से इसे महसूस करते हैं और आने वाले दिनों में आपके क्या मंसूबे हैं इस तालुक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद अजीज खान है। मेरा जो BDS है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मेरा अलमी डेंटल कॉलेज से हुआ है। तो उसके बाद मेरा जो MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी और इम्प्लांटोलॉजिस्ट, वो मैंने बैंगलोर राजीव गांधी डेंटल कॉलेज से किया था। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है निमैंस हॉस्पिटल में, बैंगलोर बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में, किंदवाई हॉस्पिटल में, उसके बाद में मेरा एक साल का ओरल ऑन्कोलॉजी जो ऑब्जर्वेशन एंड फेलोशिप हुआ है वो महात्मा गांधी कैंसर हॉस्पिटल मीरत से। उसके बाद मैंने अपनी खिदमत जो अंजाम दी है ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, जिसमें फेशियल ट्रामा मतलब फेशियल एक्सीडेंट्स होते हैं, जॉ बोन्स फ्रैक्चर होते हैं और उसके उसी के साथ में फेशियल डिफॉर्मिटी ज़्यादा होती हैं। तो कुर्ची के और अतराफ के जो अथनी बेलगाम ज़िले या फिर सांगली ज़िले या फिर बीजापुर ज़िले के अतराफ के जो डॉक्टर जिन्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने मुझे बुलाकर अपनी खिदमत अंजाम करी। जी, तो आपने इस पेशे को कैसे महसूस किया सर, क्योंकि उमूमन लोग कहते हैं कि आजकल तो जिस तरह से कमर्शियलाइजेशन की बात कही जाती है, लेकिन ये पेशा एक तरह से लोगों की खिदमत के लिए होता है और आपने खिदमत भी दी। मैंने सुना भी कि गांव में भी कई सारे लोगों से मैंने आप लोगों की बात सुनी और ख़ासकर कोरोना के दौर में जिस वक्त एक नफसा नफसी का आलम था, कोई अपने औलाद के लिए तक कुछ मदद नहीं कर सकता था, इस तरह के हालात थे और इसको सभी ने देखा है, पूरे मुल्क ने, पूरे आलमी सतह पर हमने हालात देखा। आपने जो खिदमत अंजाम दी है उस पर लोगों की तो एक अच्छी राय है, आप और आगे किस तरह से इसे देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी अहलिया भी हैं, आपकी बहन भी है। जैसे कि मैंने बताया सर, कोरोना में जैसे जो अफरा तफरी का माहौल था और उसी के साथ में मतलब लॉकडाउन का जब माहौल था, तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बावजूद भी डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। तो उस दौरान हमने मतलब जहाँ पे फेशियल ट्रॉमा केसेस रहते थे, तो एम्बुलेंस ले जाना, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है और उसी के साथ उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उमूमन ये कहा जाता है कि डॉक्टरी पेशा अब बहुत महंगा हो चुका है, मरीज आता है। जी सर, मरीज ये सोचता है कि हाँ, मैं अगर इतने बड़े अस्पताल में जा रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे में जेब के लिए ये काफी वजन हो जाए। आप इसे कैसे देखते हैं? इकोनॉमिकली सर, हमारा जो हॉस्पिटल है जहाँ पे इलाज होता है, कंपैरेटिवली अदर हॉस्पिटल्स के मुकाबले में हमारे यहाँ पे कम दामों में बहुत बढ़िया से बढ़िया इलाज होता है। जी, क्योंकि बेलगाम जिले में काफी आपका नाम है सर, आपके अस्पताल का। जी सर, तो लोग आपको याद भी कर रहे हैं, तो आप आगे के लिए क्या मंसूबा बना रहे हैं, किस तरह से आप अपनी तरफ लोगों को माइट कर रहे हैं? जी सर, जैसे कि अभी तो बहुत सारी सिटीज में बहुत ज्यादा सैचुरेशन होने की वजह से अभी पेरिफेरल जो हम लोग प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब लोगों को ज्यादा जरूरत है डेंटल फील्ड की, उसी के साथ में ओरल सर्जरी की और उसी के साथ में ऑर्थोडॉन्टिक्स और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की सर। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सर, तो यहाँ पे जो है लोगों को जो कम दामों में अच्छा ट्रीटमेंट करना है, जैसे डेंटल है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, ऑर्थोडॉन्टिस्ट है, इसी का आप
इसमें जो स्पेशलिटी करते हैं आपकी खुसूसियात? मेरे मेरे जो खुसूसियात हैं, जैसे सर माइनर ओरल सर्जरी हो गया सर, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो गया सर, मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, डेंटल इम्प्लांट्स, जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स, हेयर ट्रांसप्लांट, और उसके बाद में टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स एंड डिसफंक्शन ट्रीटमेंट्स, और ऑर्थोगनेटिक सर्जरी, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और रूटेड सर्जरी सर। तकरीबन हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने मोर देन 700 केसेस मेजर सर्जरीज, माइनर ओरल सर्जरीज और इसी के साथ में जो डेंटल सर्जरीज हुए हैं, एक साल के अंदर हमने मोर देन 700 केसेस हमारे हुए हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जिनके पास पैसा भी नहीं रहता। हाँ, लोग अपने इलाज के लिए, क्योंकि वो आखिरी मरल में आपके पास आते, उनके लिए आप कैसे? जो बहुत ज़्यादा नीडफुल जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास ऐसी भी सर्विसेज मौजूद हैं जिन्हें हम कम इमदाद के अंदर हमने एज अ मतलब लाइक सोशल सर्विस के हिसाब से हमको कम दामों में, कम चार्ज में हमको इलाज करते हैं। एक डॉक्टर मुमताज सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर के नाम से एक डेंटल हॉस्पिटल सेटअप हमने तैयार किया है, जहाँ पे डेंटल की सारी फैसिलिटीज जैसे हाई मॉडर्न इक्विपमेंट्स और उसके साथ में अच्छी डेंटल चेयर्स और उसके साथ में हाइड्राफेशियल, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजीज और टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स, ऑर्थोगनेटिक सर्जरीज वगैरह, सब सारी फैसिलिटीज एंड सर्जरीज हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को मुहैया कर रहे हैं। और कंपेरेटिवली अदर हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल के जो दाम हैं वो बहुत कम है, कम दामों में हम पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और उनको अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, और पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी विद आवर रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सैयदा फातिमा आजीज खान, मैं पेशे से ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैंने बीडीएस कंप्लीट किया है जेएसएस डेंटल कॉलेज मैसूर से, और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है एनओपीआर डेंटल कॉलेज मैंगलोर से। स्पेशलाइजेशन हुआ है मेरा ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। तो इसमें क्या होता है, हम सारे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि आजकल नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे क्लियर अलाइनर्स, मायोफंक्शनल थेरेपी, ऑर्थोडोंटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स प्लान अप करते हैं और मायोफंक्शनल थेरेपी करते हैं। हर एक वो टीथ इधर उधर डिस्प्लेस्ड रहते हैं उसको ट्रीटमेंट करने का मैं स्पेशलाइजेशन करके। यहाँ कुर्जी गांव में कैसा है कि लोगों को लेडीज़ डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं उनको भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ जो मतलब लेडीज़ के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है और बहुत कूली वो आके कोई भी प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। जैसे कि जेंटल डेंटिस्ट्री भी मैं कर लेती हूँ यहाँ पे, जैसे कि वो डेंचर्स बनाना, क्राउन प्रिपरेशंस, रूट कैनल ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट। और रिसेंटली मुझे एशिया बेस्ट रिसर्चर अवार्ड मिला है इन ऑर्थोडोंटिक्स, जहाँ पे मेरा रिसर्च वर्क रिकग्नाइज हुआ है ऑनलाइन थ्रू। मेरे 4 पेपर पब्लिकेशंस हुए हैं जिसके बेसिस पे मुझे यह अवार्ड दिया गया है, और आई हैव 2 मोर रिसर्च वर्किंग ऑन इन मैंगलोर। सो इंशाल्लाह I'll try my best to give the best service to all the people in Kochi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mera naam Dr. Sumaiya Aziz Khan hai. Maine apna BDS bahut hi umda college Al-Amin Medical Dental College Vijaypura se complete kiya hai. Jaise ki aap dekh sakte hain ki ye gaon hai, yahan pe zyada tar deeni mahol hai, to yahan pe ladies ke liye facilities utni provide nahi hoti thi pehle, kyunki yahan pe jo dentistry field mein aane ka maqsad hi ye tha, kyunki yahan pe ladies dentist koi bhi nahi the, to is wajah se maine dental field mein कंप्लीट किया। तो अभी कैसा है बोले तो हम लोग जो भी यहाँ पे गांव होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है डेंटल के बारे में। जो भी हम लोग गिज़ा खाते हैं वो डायरेक्टली पेट के अंदर जाती है, तो वहाँ से ही अगर अपना ओरल हाइजीन ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर तरह तरह की बीमारियाँ होना शुरू होती है। इस वजह से हमने अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंप के लिए भी प्लान किया हुआ है। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर फैसिलिटीज़ पहले प्रोवाइड नहीं होती थी, इनकेस एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो लोगों को मिरज जैसे, बेलगाम जैसे दूर दूर शहरों को भागना पड़ता था। इस वजह से उस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमारे भाई जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर मुजाहिद अजीज़ खान, उन्होंने सर्जरी में ओरल सर्जन है वो, तो उस वजह से यहाँ पे जो भी एक्सीडेंट ट्रॉमा केसेस जो भी होते वो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हुए। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो भी फेस के रिगार्डिंग या फिर हेयर्स के रिगार्डिंग लड़कियों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस वजह से हमने कॉस्मेटोलॉजी का भी ख्याल रखते हुए भी वो भी यहाँ पे शुरुआत की है। तो इस घर के जिम्मेदार समझिए या फिर इस जो अस्पताल जो इन्होंने शुरू किया हुआ है इसके जिम्मेदार के तौर पर, सर मैं सबसे पहले आपको सवाल ये पूछूंगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, आपके एरिया भी डॉक्टर हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बहू बेटी सब घर के अंदर एक तरह का माहौल है, आपने इन्हें दूसरे गांव भेजने की बजाय अपने ही गांव में रखने का फैसला क्यों किया? क्योंकि आप एक ही जगह पे हैं,
तो इस ताल्लुक से बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मंसूर अजीज खान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इसी बस्ती में पैदा हुआ। इसी बस्ती में जब बस्ती के हालात मुझे मालूम थे कि बड़े बड़े जो है जो डॉक्टर बना के बड़ी डिग्री लेने के बाद जो बड़े बड़े सीटों को जो भेजते थे, लेकिन मेरे हमारे बस्ती का जो कुछ हासिल हुआ हमें इसी बस्ती से हासिल हुआ है। इस बस्ती की हम जो खिदमत अंजाम देना चाहते थे, बाहर अगर हम जाएंगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन इस बस्ती के अंदर हमें जो है जो हमारा असल जो मकसद है वो गाँव की खिदमत करना, पेशेंट आने वाले में खिदमत करना, हमारा जो है असल में खिदमत करना। उसके अलावा जो है इसमें हमें हमारे बच्चों में मैंने ये बताया कि अगर आप यहाँ शुरू करेंगे इंशाल्लाह आपको आपकी खिदमत कौम की खिदमत भी होगी, मोहब्बत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, बाहर ज्यादा मिलेगा यहाँ कम मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसके अंदर आपको जो बरकत देगा। इसलिए मैं मेरे बात पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने भी लब्बैक कहा, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल एक बड़ा अस्पताल खड़ा किया वसाइल भी है आपके पास, सोर्सेज भी काफी है। आपने जब शुरुआत की थी तब तो वसाइल बहुत काफी कम थे, महदूद थे, उसमें फिर आपने इसको कैसे आगे बढ़ाया? जी हम पहले जमाने में हम बहुत स्ट्रगल करके, और उस जमाने में कोई फैसिलिटीज नहीं थे, कुछ नहीं थे। ये हमारे डॉक्टर मुमताज जो है जिसके नाम जिनके नाम से डॉक्टर मुमताज हॉस्पिटल मुमताज क्लिनिक से मशहूर है, यहाँ क्या मेरठ में हर जगह पर इनका नाम है। इन्होंने तकरीबन 30 साल से सर्विस दी है, खासकर गायनी के अंदर, डिलीवरी के अंदर, खुशन कोविड के पीरियड के अंदर कोई किसी को पूछता नहीं था, कोई आने नहीं था, सारे सील डाउन करके रास्ते बंद कर देते। उस हालत में भी बहुत सारे अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर खुशी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें यहाँ बस्ती की खिदमत करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा बच्चे बड़ी डिग्री हासिल करके भी हमें इससे ये भी खुशी है कि हमारे बच्चे हमारी बात मानकर इतनी बड़ी जो मेट्रो सिटी की डिग्री हासिल करके मेट्रो सिटी में रहने वाले थे, लेकिन फिर भी इस छोटी सी बस्ती में, इसलिए ताकि खिदमत अंजाम दे, लोगों को जो अच्छा प्रोवाइड इलाज अच्छा मिले, इसलिए